स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में दोपहर के वक्त करीब 2:15 बजे काले रंग की हुडी और मास्क पहने एक शख्स दाखिल हुआ और आते ही इस दरवाजे पर लात मारकर उसे खोलने की कोशिश की। यहां बैठी कर्मचारी को उस वक्त तक खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि ये शख्स बैंक लूटने के मकसद से यहां आया है। बदमाश के हाथ में चाकू देखकर वो और घबरा गई, डर के मारे सीट से खड़ी हो गई। बदमाश को पीछे की तरफ जब कोई नहीं दिखा तो वो महिला की तरफ झपटा, उसका पर्स छीन लिया और उसे सारा पैसा निकालने को कहा। बैंक में अफरा तफरी मच गई, स्टाफ में हड़कंप मच गया। बदमाश लगातार चाकू दिखाकर महिला कर्मचारी को धमकाता रहा, बाकी स्टाफ से भी पैसा लेकर आने को कहा। आखिर में उसे महिला के टेबल पर जितना पैसा रखा मिला उसे समेट कर वो बैंक से भाग निकला। उसके वहां से निकलते ही बैंक कर्मचारी चोर चोर चिल्लाते हुए बाहर दौड़े। इत्तफाक से एक पुलिस वाला पास से ही गुजर रहा था जिसने बदमाश का पीछा किया और एक ट्रैफिक पुलिस वाले और अन्य लोगों की मदद से उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। बैंक से 6,39,000 रुपए लूटने वाला ये शख्स कोई आदतन बदमाश नहीं था, बल्कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। नाम है प्रवीण कुमार। प्रवीण एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और 2 दिन बाद ही उसकी शादी होने वाली थी और वो शॉपिंग के लिए हुबली शहर आया हुआ था। यहाँ एक होटल में रुका था, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, उस पर काफी कर्ज भी था। ऐसे में जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो बैंक लूटने का प्लान बना लिया। सिर्फ एक चाकू के दम पर बैंक लूटने चला आया और महज 15 से 20 मिनट में पकड़ा भी गया। सिर पर सेहरा सजवाने की जगह हाथों में हथकड़ी डलवा बैठा। सोशल मीडिया पर लूट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। SBI की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रवीण की कहानी सुनकर किसी को उसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा है तो किसी को तरस भी।